यूपी के पूर्वांचल का एक बड़ा नाम हरिशंकर तिवारी, पहचान पूर्वांचल के पहले बाहुबली नेता। माना जाता है कि हरिशंकर तिवारी के नाम से एक समय पूरा पूर्वांचल थर्राता था और उनके ही नक्शे कदम पर चलकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबलियों ने राजनीति में कदम रखा। लेकिन हरिशंकर तिवारी को हमेशा बाहुबलियों का गुरु कहा गया और कहा गया कि उन्होंने ही राजनीति के अपराधीकरण को जन्म दिया। इसके बाद यूपी की राजनीति में हरिशंकर तिवारी उस वक्त चर्चा में आ जाते हैं जब 1985 में वे गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जेल की चार दीवारी के अंदर रहते हुए वे चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद हरिशंकर तिवारी के लिए राजनीति का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन बीते दिनों पूर्वांचल की राजनीति में उठा पटक तब चालू हुई जब हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विजय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी को बहुजन समाज पार्टी यानी BSP से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे को भी पार्टी से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि इन तीनों को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निकाला गया है। आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी 2 बार संत कबीर नगर से सांसद रहे हैं तो छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा से BSP विधायक हैं। वहीं गणेश शंकर पांडे हरिशंकर तिवारी के भांजे हैं और BSP सरकार में विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। कई दिनों से ऐसी चर्चा थी कि हरिशंकर तिवारी का पूरा कुनबा बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकता है। ऐसे में जब बीते दिनों विनय शंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की तो इन सियासी चर्चाओं को और बल मिल गया था। लेकिन अब दबंग ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी का एक बसपा नेता से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है जिसने यूपी की राजनीति में गर्माहट बढ़ा दी है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी मायावती के करीबी व एक बसपा नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो में विनय शंकर तिवारी मौजूदा सरकार में ब्राह्मण समाज के अनदेखी की बात करते दिख रहे हैं जिसमें वे खुशी दुबे पर हुए अत्याचार पर भी बोलते हुए सुने जा सकते हैं। साथ ही विनय शंकर तिवारी इस वायरल वीडियो में गृह जनपद के थानों में एक ही जाति के थानेदारों के होने पर कई सारी बातें भी कह रहे हैं। ब्राह्मणों पर खासकर बड़ी गंदी है क्योंकि देखिए जैसे सरकार बनी ऊंचाहार में हत्याएं होती हैं, विवेक तिवारी मारा जाता है, फिर उसको पैसे से किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी खुशी दुबे एक दिन की घर आई हुई है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, लोगों की को एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, रोज गाड़ी के पहिए पंचर हो जा रहे हैं, लेकिन उसके प्रति किसी के को संवेदना नहीं है। कोई सरकार का व्यक्ति है, अभी गोरखपुर की तत्काल घटना है कि एक लड़के को पूंछ के मार दिया गया अंकुर शुक्ला नाम के, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। और नहीं तो उल्टे जो सरकार के सहयोगी लोग हैं वो अपराधियों की सुरक्षा की पूछताछ करने चले गए और उस गरीब ब्राह्मण की कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियों में जो सरकार ब्राह्मणों की तरफ अगर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे। हमारी बाध्यता है कि हम भाई उनके साथ खड़े हों और ये प्रयास करें कि भाई ब्राह्मण समाज का कम से कम जो हमसे हित हो सकता है वो हित करने का प्रयास करें। अगर नहीं हो सकता है तो ऐसी राजनीति से क्या फायदा कि जो अपने समाज के लिए नहीं कुछ कर पाए। लेकिन जिस तरह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है उसने पूर्वांचल की राजनीति सहित पूरे यूपी के सियासी गलियारों का पारा हाई कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विनय शंकर तिवारी का वीडियो वायरल किसने किया। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।